फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त राहुल बार से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ नेचर कुछ अलग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये रही चाय और रोटी। अभी टाइम हो चुका है जाने का, 7:45 बज गए हैं। मैं थोड़ा लेट उठा हूँ सो के। कल काटा क्या, दिन भर तो थक गया था। पहला दिन था काटा करने का। इससे पहले हम सब लोग हैंड चेकिंग ही कर रहे थे। आज से मेरा भाई भी काम करने जाएगा साथ में मेरे। हम अब 5 जन होने वक्त हो जाएंगे। अभी माल इतना है नहीं, देखते हैं जाके आज क्या होता है। रोजनदारी पर रहते हैं या काटा ही करना पड़ेगा। और कल काटा कर रहे थे फिर भी हम वजनदारी पे ही थे। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी होगा करना तो पड़ेगा आज का। चलिए तो मैं फिर नाश्ता कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। बातें ज़्यादा करते हैं, काम थोड़ा दोनों काम करते हैं। दोस्तों, ये हैंड चेकिंग हो रही है और इधर ये काटा लग रहा है। ये मेरा भाई काटा लगा रहा है, उधर राजू भाई हैंड चेकिंग कर रहे हैं, नितेश भाई, और ये मैं हूँ जो कर रहा हूँ हैंड चेकिंग। ये क्या हो रहा है बाबा? प्यारी सी स्माइल आई किया है इसको। नितेश भाई हमारे उधर हमारे बिजली भाई खड़े हैं, उप विजय भाई। अब देखिए इनकी एक्टिंग। देखिए दोस्तों, ये हो रहा है सुपर पे काम, जिसे कहते हैं छेड़ा खींचना। इससे पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसमें फटाफट हाथ चलाने पड़ते हैं। अगर ये छेड़ा अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर उसको रोकना पड़ता है मशीन को। ये दोनों भाई छेड़ा खींच रहे हैं यहाँ पे। ये काम जल्दी का है, कोई धीरे धीरे नहीं करना पड़ता। ऐसे ही माल फंस जाता है, ऐसे ही खींच रहे दोनों एक साइड से और के हॉन। इसी प्रकार फटाफट खींचना पड़ता है छेड़े को, 4-5 बार इकट्ठा करना पड़ता है हाथों में। और इधर में माल पड़ा हुआ है सब। तो GR ताका है। ये हो रहा है काटा। कभी हैंड का भी काटा करना पड़ता है। देखिए, ये काटा करने लग गया हूँ मैं। अब जैसा ठेकेदार बोलेगा वैसा करना पड़ता है। अब ये राजा भाई भी काटा करने लग गए हैं। काटा करने में फ़ायदा भी है और नहीं भी है। चलिए मैं आपको पूरी कंपनी घुमा के लग जाता हूँ। ये यहाँ पे मर्सराइज दिख रही है आपको, ये सामने माल डला हुआ है। राजेश भाई जा रहे हैं हमारे। ये शर्मा जी है, बाल्टी ले जा रहे हैं, क्या कुछ केमिकल है उसके अंदर। इससे क्या बोलते हैं, GT का माल चलता है इसके अंदर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी बंद पड़ी है वो, यार पूरा माल लपटा गया है इसके अंदर। ये है सुपर, सॉरी मर्सराइज बोलते हैं इसे। इसमें पूरा कपड़ा धुल के बाहर निकलता है। ये चल रही है GT, एक तरफ से बंद थी एक तरफ चालू है, 3-4 जगह चलती है ये। इसमें पूरा माल धुलता है, मोटा माल धुलता है उसके अंदर, भारी ताका रहता है। जो सुपर मर्सराइज में हल्के वाले ताके धुल के बाहर निकलते हैं। जैसे ये भाई कर रहे हैं इधर, ये अंदर है। ये यहाँ माल तैयार होता है, इसमें केमिकल वगैरह डाल के तैयार किया जाता है इसको। इसकी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। देखिए 3-4 रोल लगे हुए हैं बड़े बड़े। इससे बढ़िया बाकायदा माल पूरा फ्रेस होकर निकलता है। एक थोड़ी पूरी फैक्ट्री ललित भाई जा रहे हैं हमारे। फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, फिर भी इतनी है कि यहाँ कम से कम एक समय में 200-300 लोग आराम से काम कर लेते हैं। ये वही है आपको जो मैं पहले दिखाया था। अब आपको एक बार फिर से घुमा के ले चलता हूँ। इधर भी वही काम चल रहा है। वापस में आपको वापस जहाँ हम काम करते हैं वहीं लेके चलता हूँ मैं। ये ट्राली में पूरा माल निकला हुआ, धुला हुआ, धोती वगैरह है।
धोती को भी आराम से चेक करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा फटा वटा आता है। कि मैंने आपसे कहा था मैं आपको वापस से लेके जा रहा हूँ जहाँ हम काटा करते हैं। यह है मसराइज और यह है जेटी, इसके ऊपर काम किया जाता है। और उधर ही इसमें सब ये इधर यहाँ पर इसको माल सिलना पड़ता है, जब हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद इसमें सिलाई की जाती है, जैसे कि वर्मा शर्मा जी लगा रहे हैं सिलाई, इसे बड़े बड़े थप्पी लगानी पड़ती है। और इधर सुपर पे खींचा जा रहा है छेड़ा, इसमें अच्छे अच्छे लोग नहीं भरो, कितने मस्ती आ रही है। देखिए भूरे को मस्ती करने का टाइम मिला है अब। ले भूरी तेरा ऐसे गड्ढा खोद रही है, घूमती है फिर भाग जाती है। अरे फुल मस्ती के मूड में है, देखिए ये जा रही है, जा रही है भाग, फिर गड्ढा खोदने लगेगी ऐसे कर रही है पागल जैसी। फिर पानी पीने पहुंच गई उधर। आज है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा T20। इंडिया दो पहले के T20 हार चुकी है, मैच चल रहा है। गायकवाड़ ने 54-55 रन मार के गए हैं। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन खेल रहे हैं अभी।